सिद्धेश्वरी देवी। काशी की गायिका श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी छोटे बड़े ख्याल के गायन में जितनी कुशल थीं, उतनी ही टप्पा, ठुमरी, पूर्वी, दादरा आदि अर्धशास्त्रीय गीतों के गायन में भी कुशल थीं। आपका जन्म 8 अगस्त सन 1908 में पावन नगरी काशी में हुआ था। जब आप केवल 1.5 वर्ष की थीं, तो आपकी माता का देहावसान हो गया। मां की अनुपस्थिति में आपकी मौसी श्रीमती राजेश्वरी देवी ने आपका पालन पोषण किया। राजेश्वरी देवी स्वयं एक अच्छी गायिका थीं, अतः आपको संगीतमय वातावरण मिला, जिससे हृदय की सूक्ष्म कलात्मक भावनाएं स्वर और लय के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त हुई। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपको अपनी मौसी से प्राप्त हुई। इसके बाद 11 वर्ष की अवस्था से स्वर्गीय सिया जी से गाना सीखना शुरू किया। सिया जी एक अच्छे सारंगी वादक थे। उनके पास ख्याल, टप्पा, ठुमरी का अपार भंडार था। उनसे सिद्धेश्वरी देवी को काफी सामग्री मिली। कुछ दिनों के बाद सिया जी की मृत्यु से आपकी शिक्षा बंद हो गई। उस समय आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी। सौभाग्यवश संगीत सम्राट पंडित बड़े रामदास आपको संगीत शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी के शिक्षण काल में आपने काफी उन्नति की, उनसे काफी सामग्री प्राप्त की और गायन शैली परिमार्जित की। आप देश के विभिन्न संगीत सम्मेलनों, आकाशवाणी केंद्रों तथा अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित कर चुकी हैं। अर्धशास्त्रीय गीतों के गायन में काशी नगरी अद्वितीय रही है और सिद्धेश्वरी देवी उसी नगरी की प्रमुख गायिका। आपकी मृत्यु 18 मार्च 1977 को हुई। आपकी दो कन्याएं श्रीमती शांता और श्रीमती सविता देवी संगीत जगत में शोभायमान रही हैं।